हेलो नमस्कार, मैं अमित हायरन और आज द खबरदार न्यूज में हम एक स्पेशल स्टोरी जो कवर करने निकले हैं। आप बहुत दिनों से एक विवाद काफी दिनों से एक विवाद मीडिया में और सदन में छाया हुआ है, राहुल गांधी द्वारा जो हिंदुत्व के ऊपर एक टिप्पणी की गई है। आज हम आम पब्लिक से और भोपाल की पब्लिक से उसके विषय में बातचीत करेंगे और उसका पक्ष जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो कितने सहमत है राहुल गांधी जी की राय से। आइए बातचीत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष होके जिस टाइप की भाषा उन्होंने सदन में यूज करी, आपको क्या लगता है? ये तो हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हैं हमारे यहाँ जो इनको लोग वोट देते हैं, जिताते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा करते हैं। इन लोगों को तो भगा देना चाहिए। सदन क्या होता है, भारत की सर्वोच्च जगह है जहाँ पर भारत के लोग सांसद चुनते हैं। सांसद क्या होता है, उनको सांसद की परिभाषा ही नहीं मालूम है राहुल गांधी जी को। वो बंद लेकिन मीडिया में इस बात को लेके काफी राहुल गांधी जी की तारीफ उछाली गई कि साहब वो बड़े आक्रामक थे और उन्होंने मोदी जी पे बड़ा हमला बोला। आप कुछ बताइए, लगता है कुछ ऐसा? नहीं, हमको तो नहीं लगता। उस दिन जो भाषा शैली थी राहुल गांधी की, आपको लगता है कि वो जो उस टाइप की भाषा उन्होंने पहले कभी यूज नहीं करी, आपको लगता है कि कुछ नए जोश में थे उस टाइम? हाँ, भारत जोड़ो को लेके हो सकता है कुछ कर दी हो बातें। जोश था उन्हें भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली थी उसके कारण वो काफी जोश में थे। जो भाषा उन्होंने यूज करी है कि हम भय का माहौल बनाते हैं और हिंदू भय पैदा करता है देश में, तो किस भय की बात कर रहे हैं, तो किस भय का किस डर है उनको इस देश में? चलो तो देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है हिंदुओं के लिए, ये बहुत गलत बात कही गई है। इसमें हिंदुओं के बीच बहुत गलत संदेश गया है और आप किसी धर्म को लेके इस तरीके से नहीं बोल सकते पहली बात तो, और इससे बहुत ठेस हुई है हिंदू समाज को। और जो उनने वर्ड यूज़ किए हैं वहाँ पे अपने, वो बहुत गलत तरीके से जो फोटोज हमारे धर्म के जो भगवान हैं उनको लेके उनने फोटोज दिखाई है और उनको दिखाया गया कि कैसे शंकर जी इस तरीके से आपने बताया कि त्रिशूल गाड़ देते हैं, और ये उनकी व्याख्या उनने अपने मन से गढ़ी है कि भैया भगवान का ये और ये भगवान जी, वो बहुत गलत उनने ये चीज बोली है। और हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत इस चीज को लेके आक्रोश है, ये बहुत गलत किया गया है। आप इस प्रतिक्रिया के ऊपर क्या आपका विचार है, आप इस प्रतिक्रिया को किस तरह से देखे? हम तो यही चाहते हैं कि वो हिंदू समाज से माफी। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, शुभ नाम। मेरा नाम शुभ नाम मुकेश मीना है। मुकेश भाई, आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी ने हिंदू शब्द को लेके बोला है कि हिंदू हिंसकवादी होता है, एक भय का माहौल पैदा करता है, क्या लगता है आप, कितने सहमत हैं इस बात से? सर, इस चीज के लिए मैं डेफिनेटली मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं बोल सकता। प्लस मैं क्योंकि कर्मचारी आदमी, आप एक सरकारी कर्मचारी? जी सर। उन्होंने हिंदू शब्द यूज करा है, ना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शब्द यूज करा है। उन्हें ये बोला है RSS हिंदू नहीं है, BJP हिंदू नहीं है। तो हिंदू शब्द में आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, भारत की बहुत बड़ी आबादी हिंदू है, तो ये कटाक्ष उन्होंने हिंदू पे किया है या BJP के ऊपर? ये कटाक्ष उन्होंने हिंदुओं पे किया है, क्योंकि अब हिंदू से पता नहीं क्या है उनकी, यार अपन ये तो समझ नहीं सकते। या हिंदुओं को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, या जो भी है उनके दिल में जो भी रहता हो। तो हिंदुओं के लिए अभी थोड़ी सी सीटें कुछ ज्यादा आ गई NDA गठबंधन करके, तो उनको थोड़ा सा ईगो हो गया है, घमंड आ गया है कि हम हिंदुओं को भी नहीं करेंगे। बार बार वो अयोध्या सीट के हारने का जिक्र करते हैं अखिलेश यादव, और वो आपको क्यों लगता है कि अयोध्या का ही ताना क्यों दिया जाता है? अयोध्या जीते हैं वो, क्या है गलत फहमी में,